हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 24 दिसंबर, क्रिसमस ईव, और हम जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। पार्क की आज छुट्टी है बिकॉज ऑफ 4th सैटरडे। तो हम इस बार क्रिसमस मनाने वाले हैं काजीरंगा में। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं गुवाहाटी से, तो वहीं पे जाके हम लोग काजीरंगा में मिलेंगे एक साथ। हम वहाँ पे स्टे करने वाले हैं, तो एक दिन का ट्रैवल ब्लॉग होने जा रहा है ये। तो जल्दी जल्दी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और जो बेल आइकन को क्लिक करते वक्त ऑल करके एक ऑप्शन आता है उसको टिक कीजिए, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिलते जाएंगे। दे रही है आज का ब्लॉग। तो जोरहाट से हम 11 बजे निकल रहे हैं, तो 2 घंटे जैसा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो देखते रहिए कैसा बीतता है आज का दिन। जो जगह में पहुंचे हैं, इस तरफ से जाता है दिमापुर, गोलाघाट दिमापुर, हाँ ये सब जाता है इस रास्ते से, लेकिन हमें सीधा जाना है। एनिमल कॉरिडोर स्टार्ट हो गया है। सो वी हैव रीच्ड बोरगॉस रिजॉर्ट, और ये देखिए बाहर का व्यू है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है हमारी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है और एक मंदिर भी है इधर, राधा कृष्ण मंदिर। ये रहा बोरगॉस, यहाँ पे अभी चेक इन का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। म्यूजिक एक चला के रखा है, काफी बड़ा वेटिंग एरिया है, और देखिए एक लग्जरी रिजॉर्ट है, 4-स्टार रेटिंग दिया है इसका। सो अंदर जाके रूम्स एंड ऑल देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ।
फ्रेंड्स चेक इन का प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और रूम के तरफ अभी जा रहे हैं। 09 हाँ आ गया हमारा रूम। तो दिस इज द रूम, बहुत ही बड़ा और स्पेशियस रूम है। साइड में यहाँ पे बालकनी भी है, तो पहले रूम को दिखा देते हैं। टीवी भी है, और ये रहा टीवी, और ये रहा, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ये चार्जेबल है, यहाँ पे एक कबर्ड भी है। तो यहाँ पे ऐसे दो चेयर्स भी, इजी चेयर देके रखा है। यहाँ से फेवरेट मेरा झूला, तो इसमें भी मैं बैठूंगी। तो यहाँ से देखिए पूरा जंगल है, इस झूले में मैं बाद में बैठूंगी। मेरे हेयर्स का पता नहीं फ्रेंड्स इतना खराब क्यों हो जाता है। सो फ्रेंड्स अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं आपसे बात करती हूँ। अभी तो लंच करने का टाइम हो गया है, तो अभी इको हो रहा है थोड़ा मेरा आवाज़, फ्रेशन अप हो जाती हूँ। लंच के टाइम आप सभी से बात होगी फिर से। सो अभी लंच के लिए जा रहे हैं, देखते हैं पहले यहाँ पे अगर सीट नहीं, अगर अवेलेबल जगह नहीं है तो बाहर जाएंगे किसी और जगह में। जुहाल करके हैं ये दूसरी जगह हम जा रहे हैं, उन्हीं का ये सेकेंड रेस्टोरेंट है। यहाँ जगह मिल गई है तो यही लंच कर लेंगे। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे सब थालियाँ रखी गई है। पार्थ अभी मेन्यू देख रहे हैं, तो तब तक ये अंदर का व्यू थोड़ा दिखा देती हूँ। रेस्टोरेंट के तरफ से हमें एक वेलकम सूप उन्होंने दिया, तो ठीक ठाक लगा मुझे। और ये है हमारे फ्रेंड्स मिंटू और उनकी वाइफ है शिवाली। उसके बाद लंच में हमने लिया एसमिस थाली। तो खाना खा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। थोड़ा टाइम लग गया इधर खाते खाते, इन्होंने दिया ही हमें बहुत लेट करके। तो अभी यहाँ से देखते हैं, सोच रहे हैं कुछ ऑर्किड पार्क करके हैं वहाँ पे जाएंगे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स। अंदर आते वक्त मैं ये रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो ये रहा मेन एंट्रेंस। तो ऑर्किड पार्क की जगह में पहुंच गए हैं। तो बाहर में बहुत सारे शॉप्स हैं,
लोकली मेड जो आपको वुडन की चीज़ें होती हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। तो पहले हम पार्क में जाएंगे, फिर देखेंगे निकल के कि क्या क्या है बाहर। तो टिकट काउंटर में जा रहे हैं और 100 रुपीज़ करके टिकट लगा हमें। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें ग्रीट किया। अभी सिर्फ 1 घंटा रह गया है ये ऑर्किड पार्क बंद होने में, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से आने का सोच रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ पार्क का व्यू, लेकिन बाद में फिर से और एक मैं व्लॉग बनाऊंगी कुछ दिनों बाद, उसमें मैं डिटेल दिखाऊंगी इस ऑर्किड पार्क का व्यू। ये लेडी स्लीपर है उन्होंने बताया, प्रोनंसिएशन मेरा गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो अंदर शॉप भी है फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो बच्चे खेल भी सकते हैं। यार शो होता है, उसके लिए अलग टिकट लेना पड़ेगा। रात 6:30 में, 6:30 से 8:30 तक। क्या यहाँ से प्लान्स लेने का मेरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन फिर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा हमें। यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, छोटा एक लेक बना हुआ है। तो देखिए कोई बोटिंग कर रहा है अभी, हमारे पास तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। उधर की रास्ता है, सर्कल होकर जा सकते हैं। अरे बोटिंग का क्या है? नहीं डर लगता है, स्विमिंग नहीं आता। किसे आता तुम्हें? आता स्विमिंग किसे आता है? तो 3 जन को कैसे बचाएगा एक आदमी? हाँ वही तो बात है, मैं तो पहले ही मरूंगी पता है, गिर के ही मैं ज्यादा नीचे चली जाऊंगी। मैंने ये है टाइगर ऑर्किड, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर्स।
यहाँ बहुत भीड़ हो रखी है, अभी बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स। काजीरंगा का ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, मैंने सोचा था एक ही बनाऊंगी, लेकिन अभी लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, सो दो दिन का मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। आज का होगा पार्ट वन और नेक्स्ट मैं दूंगी पार्ट टू दूसरे दिन का। तो यहाँ मैंने एक बेबी ऑरेंज प्लांट देखा, तो ये पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इन्होंने बताया मुझे। और भी है, शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया है अभी। यहाँ बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, मेरा तो लेने का बड़ा मन कर रहा था। यहाँ एक चाय पकौड़े का स्टॉल भी है फ्रेंड्स, तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से सिर्फ 4 कप चाय लिए और वहाँ पे हम जा रहे हैं चाय पीने। ज़्यादा दूर नहीं है, देखिए यहाँ हमने 10 मिनट जैसा टाइम बिताया, चाय वाय पिया। थैंक यू। यहाँ पे कुछ शो होने वाला है 6:30 बजे, तो उसके लिए एक अलग टिकट लेना पड़ेगा। तो आज के लिए तो हम ये नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ रखना है हमें फ्रेंड्स। हम बाहर निकलने ही वाले थे, तब हमने देखा कि ये खुला है तो अंदर चले गए। तो यहाँ पे सब जो पॉटरी आइटम्स होते हैं और फिर यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ होता है इनका हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये देखिए, यहाँ पे एंटर करते ही हमें बताया गया था कि सिर्फ 10 मिनट है, बंद होने जा रहा है ये, तो हमने बस एक राउंड लगाया वहाँ पे। ये बहुत बड़ा मॉर्टर एंड पेस्टल ऑफ मिसिंग ट्राइब। यहाँ कई सारे यूटेंसिल्स भी हैं अलग अलग टाइप के।
यहाँ शटर भी हाफ डाउन करके रख दिया है उन्होंने, तो बाहर निकल रहे हैं। शोपीस, वुडन आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, बहुत कुछ है इन शॉप्स में। मैंने एक छोटा सा की रिंग लिया है, तो वो मैं दिखाऊंगी दूसरे किसी ब्लॉग में आप सभी को। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम, डायरेक्ट रिजॉर्ट में जाएंगे। रात को देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है बॉर्गोस का एंट्रेंस। अभी हम लोग ऑर्किड पार्क देखकर अभी हम आ गए हैं हमारे रूम पे। इधर रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे डिनर के लिए, पता नहीं शायद रूम पे ही ऑर्डर कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बिहू का प्रोग्राम चल रहा है शायद, तो यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर जाके देखती हूँ। हमें बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, यहाँ पे बिहू डांस ये सब चल रहा है, तो जस्ट देखने जा रहे हैं। बॉर्गोस से यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बॉनफायर के साथ फोक डांस एंड ऑल। वीडियो किया कि नहीं मेरा, मैंने थोड़ा डांस भी कर लिया यहाँ। फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। यहाँ से जाने के बाद हमने डिनर में पिज़्ज़ा खाया एक साथ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सेकंड पार्ट इसके बाद आने वाला है, डे 2 इन काजीरंगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।